हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डीआईवाई एक्टिविटी में ये दो कांच की बॉटल्स मेरे पास हैं, इनको कैसे डेकोर करूँगी ये शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इनको डेकोर करने के लिए मैंने रेड और वाइट कलर का जो एक्रेलिक पेंट आता है उसे मिक्स करके ये कुछ लाइट पिंक कलर का कलर बनाया है फ्रेंड। और ये दो नैपकिन लिए हैं और थोड़ा सा फेविकॉल लिया है फ्रेंड्स, और एक पेंट करने के लिए ब्रश लिया है। वैसे फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्पॉन्ज से भी पेंट कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास स्पॉन्ज है नहीं तो मैं इसी ब्रश का यूज़ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इन बॉटल्स को डेकोर करने के लिए इसके फर्स्ट स्टेप में मैं ये पेंट इन बॉटल्स पे अप्लाई कर दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कि फ्रेंड्स, मैंने इन पे पहला कोट करके इनको धूप में आधे घंटे सुखा लिया है। अब फ्रेंड, मैं इन पे दूसरा कोट जो है वो इस स्पंज की हेल्प से करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड कोट होने के बाद फुल्ली ड्राई हो चुकी हैं और ये कुछ ऐसी दिख रही हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने ब्लू कलर का कलर लिया है और उसमें ये मोटा थ्रेड में थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ दूँगी। फ्रेंड्स, थ्रेड ने कलर को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मैं इस बॉटल पे ना रैंडमली डिज़ाइन बनाकर थ्रेड को अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, थ्रेड को मैंने बॉटल पे इस तरह से लगा दिया है। अब मैं थोड़ी देर से धूप में सूखने के लिए रखूँगी, फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये थ्रेड ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको आराम आराम से निकाल दूँगी। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये आर्टिफिशियल एक फ्लावर की कटिंग पड़ी हुई थी, इसको मैं इस पे डिप करके बोतल पे पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पेंट कर दिया है, ये कुछ ऐसा लुक दे रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये फ्लावर की कटिंग ना हो तो आप ईयरबड से भी इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, दूसरी बॉटल को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक ये प्लास्टिक के कपड़े वाली लीव ली है और इस पर ग्रीन कलर अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे तिरछा चिपका दूंगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बॉटल रेडी हो चुकी है और इसका फाइनल लुक कुछ इस टाइप से आया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने ये ऊपर थ्रेड कर को कलर करके ग्लू की हेल्प से यहाँ पेस्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स, दूसरी बॉटल में फ्रेंड्स मैंने एक साइड से तो कुछ ऐसा पेंट किया है और इस साइड से फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि डेको पेज आर्ट करके देखूँ कैसा लुक देती है। फ्रेंड्स, मैंने डेको पेज आर्ट के लिए ये नैपकिन लिया है जिसको फ्रेंड्स मैं यहाँ से ओपन कर लूँगी और फ्रेंड्स इसको कट करके मैं इस एरिया में फेविकॉल अप्लाई करके वो पेस्ट कर दूँगी और आपको दिखाऊँगी भी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वैसे आप मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नैपकिन्स आते हैं, बहुत कलरफुल, बहुत प्यारे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो यही पड़ा हुआ था तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने 2 टेबल स्पून फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिलाया है। अब मैं फ्रेंड्स इसको यहाँ पर अप्लाई करूँगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये अप्लाई कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस नैपकिन को यहाँ पर फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। अभी ये गीली है फ्रेंड्स, इसको ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये क्रिएटिविटी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।